भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ का चुनाव आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार जो 5 साल चला, ये सरकार ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये भी आप लोग को अभी समझना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। हमारा सांसद जी ने आपको सारे घोटाला का बारे में, कांग्रेस सरकार का घोटाला का बारे में आपको बताया। मैं 2-3 आपको बात बताना चाहता हूं। थोड़ा दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ का हमारा पार्टी का कार्यकर्ता लोग, हम लोगों ने मुझको बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का गरीबों के लिए 16 लाख पक्का मकान भेजा था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने एक भी मकान नहीं बनाया और छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा था वो लौटा दिया, उन्होंने कोई गरीब के लिए मौका नहीं बनाया। इसी समय हमारे पास भी असम में भी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 15 लाख मकान भेजा था और हमने 2 साल में सारे मकान बना दिया और गरीबों को मकान एक ही मीटिंग में हर गरीबी को बुला के हमने मकान का साबी भी दे दिया। भाई और बहनों, आप तो खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी पैसा भेजता है तो एक पैसा से भी आप गरीब का घर नहीं बनाता है, गरीब का मकान नहीं बनाता है। गरीब का साथ आपका क्या दुश्मनी है? गरीब का साथ आपका कौन सा दुश्मनी है? क्या मकान में प्रधानमंत्री जी का नाम आते हैं इसलिए आप मकान नहीं बनाएगा? भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी का नाम आते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आते हैं। आप वो मकान जो देश का प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, ये 16 लाख मकान आपको बनाना चाहिए था और नहीं बना के आप गरीब का हक आपने छीन लिया।